हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे आज मैंने बनाए हैं स्प्राउट्स। तो यहाँ पे मैंने ली है मूंग की दाल, काला चना और सोयाबीन थोड़े थोड़े से, और मैंने इनको रात को भिगा लिया था और सुबह मॉर्निंग में मैंने इनको एक कपड़े में बांध के रख लिया था कॉटन के, जो आपको दिख भी रहा है कपड़ा। और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने इसे खोला, ओपन किया, तो ये जो दाल है सब अंकुरित हो गए थे। सबके सब बहुत अच्छे से अंकुर आ रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हर चीज़ में, सोयाबीन में भी, काले चने में भी और मूंग की दाल में भी। तो यहाँ पे ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता तैयार कर रही हूँ मैं आज अपने लिए। तो सब मैंने बाउल में डाल दिया है, और ये खीरा है, टमाटर है, प्याज, और ये है रोस्टेड सीड्स जो कि मार्केट में मिल जाते हैं आराम से, और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला। तो इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, उसमें मिला लूँगी अच्छे से। और अगर आपको नींबू पसंद है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, आधा नींबू, और तब थोड़ा सा खट्टा भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको लगेगा अगर आपको खट्टा पसंद है तो। और ये सब मैं मिक्स कर रही हूँ एक साथ, और गाइस यकीन मानिए बहुत ही यम्मी हो रहा था, बहुत ही टेस्टी। और दालों में प्रोटीन तो होता ही है, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसे रोज मॉर्निंग में लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इसका आपकी बॉडी को। और यहाँ पे ये तैयार है, और मैं भी खाती हूँ, आप इंजॉय करो। गाइस प्लीज़ बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बहुत ही सिंपल है, आप भी जरूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।